गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा था, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के फलस्वरूप हमें तीन क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। ये क्वांटम संख्याएं हमें विभिन्न कोशों की ऊर्जा, उनकी संख्या, उपकोष, कक्षकों के अभिविन्यास, उनके बारे में हमें बताती है। पिछली क्लास में हमने जो दो क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी, वो क्वांटम संख्याएं जो हैं उनमें फर्स्ट हमारे पास था मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो हमें कोशों के बारे में बताती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं उनको क्या नाम दिया गया था, कोष या कक्ष। तो हमें मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा कोष की संख्या के बारे में पता चलता है। क्लियर है, कोषों की जो संख्या है उसको एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन द्वारा। जो पहली क्वांटम संख्या थी उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन द्वारा। कोशों की संख्या बताती है, एन का मान पूर्णांक में होता है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, दूसरी क्वांटम संख्या हमने पढ़ी थी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को एल से व्यक्त किया जाता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या से निकलता है, और उसका मान कैसे निकलता है, 0 से n-1 तक। एल का मान 0 से n-1 तक होता है। सीधे शब्दों में बात करूं तो L का मान L के मान से एक कम तक होता है। शुरू कहां से करेंगे, 0 से। जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या है वो हमें उपकोषों के बारे में बताती है, उपकोष के बारे में बताती है, उसमें कितने उपकोष हैं। क्यों, तो देखिए हम सेकंड नंबर ले रहे हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को एल से व्यक्त किया जाएगा। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को किससे व्यक्त किया जाएगा, एल से व्यक्त किया जाएगा। और यह किसके बारे में बताएगी, यह बताएगी उपकोष की संख्या को व्यक्त करती है। तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या एन उपकोष की संख्या को व्यक्त करती है। साहब दूसरी बात, एल का मान 0 से n-1 तक होता है। एल का जो मान है वो 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, मेन बात इसमें यही थी कि ये बताता क्या है, उपकोष की संख्या के बारे में। यदि एल का मान क्या हो और उपकोष का प्रकार क्या हो, ये हम बता सकते हैं कि एल का मान क्या हो तब उपकोष का प्रकार क्या हो। तो एल का मान 0 S उपकोष, एल का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, इस तरह 5 भी हो सकता है। तो एस पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, हमारे लिए काम के वैसे 4 उपकोष आएंगे फिलहाल। ठीक है, एस पी डी एफ,
किलो आता है, इसका मतलब उपकोष किसकी बात हो रही है, एस की। जैसे मैं ये एग्जांपल दे दूं आपको, इनको समझना कैसे आपको, एन इज इक्वल टू थ्री, आपको मैंने मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान दे दिया, कितना है तीन, मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान कितना दिया है तीन। अब मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान तीन दिया है तो इसके लिए एन के मान क्या है, मतलब एन बराबर तीन का मतलब क्या हुआ, कौन से कोष की बात हो रही है साहब, तीसरे कोष की बात हो रही है, क्या तीसरे कोष में उपकोष कितने होंगे, तो तीसरे कोष में आपसे उपकोष पूछा गया है, तो तीसरे कोष का मतलब एन की वैल्यू कितनी दी गई आपको सवाल में, तीन। पूछा क्या है, उपकोष की संख्या, और उपकोष की संख्या हमें कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, एल। इसका मतलब मुझे करना क्या है, एन से एल का मान निकालना है, तो एन से एल का मान निकालना है तो जीरो से एन माइनस वन तक, तो जीरो एक और ये दो, एन की वैल्यू तीन है तो एक कम तक, जीरो एक दो, एन बराबर तीन के लिए एल के कितने मान आ गए तीन। कोई आपसे पूछे तीसरे कोष में कितने उपकोष होते हैं, तीन, वन टू थ्री, जीरो का मतलब एस, एक का मतलब पी, दो का मतलब डी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरे कोष में कितने उपकोष आए तीन, एस पी डी। इसीलिए मैंने आपको एक शॉर्टकट सूत्र बताया था, याद होगा, किसी एंथ कोष में एंथ पी उपकोष होते हैं, एन कोष में एन ही क्या होते हैं उपकोष। मैं आपसे पूछूं पांचवे कोष में कितने उपकोष होंगे, पांच ही होंगे साहब, क्लियर है। उसके बाद ये एक एग्जांपल हो गया कि किस तरह हम कोष की संख्या से उपकोष की संख्या निकाल सकते हैं, ये क्या है तीनों, ये है उपकोष, ठीक है। उसके बाद अगली क्वांटम संख्या आती है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या थर्ड जो हमारे पास आती है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो हमें किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको MS से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यह क्वांटम संख्या जो है वो किसी उपकोष में उपस्थित, किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या को व्यक्त करें, उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या को व्यक्त करती है, कौन सी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मान कैसे निकलेंगे, एमएस के जो मान है, एमएस के जो मान है
वो माइनस एल से प्लस एल तक हो गया था। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि एम एस के जो मान है वो माइनस एल से प्लस एल तक होते हैं। बस आपको हर क्वांटम संख्या के बारे में यही पता होना चाहिए कि वो क्वांटम संख्या किसकी संख्या को बताएगी, उसके मान कैसे निकलेंगे। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या बताती है। मान कैसे निकलेंगे, एल के मान निकलेंगे एल से, एल डिगन सी क्वांटम संख्या है। एल के मान किससे निकलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या से। तो मुख्य क्वांटम संख्या से डिगन सी के मान, डिगन सी से मान से चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान। तो माइनस एल से प्लस एल विद जीरो, जीरो को साथ में, ठीक है। जैसे फोर एग्जाम्पल, आपसे कोई कहे एल बराबर की, मतलब किसकी बात हो रही है, तीसरे कोष की बात हो रही है। कौन से कोष की बात हो रही है, तीसरे कोष की। तीसरे कोष में कितने उपकोष है, कितने कक्षक है। देखिए एन बराबर तीन का मतलब किसकी बात हो रही है, तीसरे कोष की। एन बराबर तीन के लिए अब हमें उपकोष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोष के अंदर क्या पड़े रहते हैं, उपकोष। तो देखिए उपकोष की संख्या कौन बताता है हमें, दिगंशी क्वांटम संख्या एल। और एल के मान एन से कैसे निकलते हैं, जीरो से एल माइनस वन तक। तो जीरो एक, एल के मान एन के मान से एक कब तक हो, मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब एस उपकोष, एक का मतलब पी, दो का मतलब डी। इसका मतलब तीसरे कोष में कितने उपकोष हुए, तीन। अब हमें कक्षकों की संख्या चाहिए, किसकी संख्या चाहिए, कक्षकों। हमें कक्षकों की संख्या चाहिए, कक्षकों की संख्या चाहिए। तो कक्षकों की संख्या किससे आएगी, स्मॉल एम एस, चुंबकीय क्वांटम संख्या से आएगी। कक्षकों की संख्या किससे आएगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किससे निकलेगा, दिगल सी क्वांटम संख्या के, एल के मान से। वो कैसे निकलेगा, माइनस एल से प्लस एल तक। तो एल का मान कितना है, जीरो। तो माइनस एल से प्लस एल का मतलब एक ही हो गया, सिर्फ क्या, जीरो। तो कितने मान हो गए, एक। एक के लिए अब एल का मान कितना है, एक। तो एम का मान क्या होगा, माइनस एल से प्लस एल तक। तो माइनस एक, जीरो और प्लस एक, टोटल मान कितने हो गए, तीन। डी के लिए देखो एल की वैल्यू कितनी है, दो। तो माइनस दो से प्लस दो तक, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुल कितने कक्षक हो गए, पांच। आप देखिए इस गणित को समझिए, आप एन बराबर कितना दिया मैंने, तीन। एन बराबर तीन का मतलब क्या हुआ, तीसरा कोष। तीसरे कोष में कितने उपकोष होंगे, उपकोष बताना है तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान निकालो। वो कैसे निकलता है, जीरो से एन माइनस वन तक, जीरो एक दो। इनका मतलब क्या हुआ, यदि एन का मान जीरो आता है तो एस उपकोष, एक आता है तो डी पी उपकोष, दो आता है तो डी उपकोष। अब उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक। कक्षक की संख्या चाहिए तो आपको क्वांटम संख्या कौन सी देनी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो जीरो के लिए सिर्फ जीरो मान आया तो कितने मान आए, एक। इसका मतलब कितने कक्षक, एक। एल का मान एक है तो एम के मान कैसे निकलेंगे, माइनस एल से प्लस एल तक, मतलब माइनस एक से शुरू करो प्लस एक तक वैल्यू लिखनी है। तो माइनस एक, जीरो, प्लस एक, वन टू थ्री, कितने कक्षक हुए, तीन। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, दो। तो माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो, कुल कितने मान, पांच।
तो पांच कक्षक, तो टोटल कितने कक्षक हो गए? नो। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एन कोर्स में, यहां से मैं रिजल्ट देखो क्या निकाल सकता हूं आपके सामने, एंथ कोर्स में एंथ क्या होते हैं उपकोर्स, तीसरे कोर्स की बात हो रही थी, तीसरे कोर्स में कितने उपकोर्स आए? तीन, 1 2 3 एस टी डी, क्लियर है? एन कोर्स में कक्षक कितने होते हैं? एन कोर्स कितना था? तीसरा। कक्षक कितने हैं? नो, मतलब तीन का स्क्वायर करने से क्या आते हैं? नो। इसका मतलब एंथ कोर्स में कक्षक कितने होते हैं? एन स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, डायरेक्ट सवाल, ये तो हमने निकाला, इस पर डायरेक्ट सवाल पूछ लू कि भैया एन बराबर चार में, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी दी है मैंने आपको? चार। मतलब क्या पूछ क्या रहा हूं? चौथा कोष, चौथे कोष में कितने उपकोष होंगे? चार ही होंगे। चौथे कोष में चार उपकोष निकाल लो, एल का मान कैसे आएगा इसमें? 0 1 2 3। एल के मान उपकोष की संख्या को बताते हैं एस टी डी एफ। इसमें कितने कक्षक होंगे? चार का स्क्वायर कर लो 16। 16 कक्षक होंगे, और 16 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। क्यों? एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एन स्क्वायर कक्षक और इलेक्ट्रॉन कितने? 2n2। तो nth कोष में n उपकोष होते हैं और n कोष में कक्षक होते हैं, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n2। क्लियर है? अब देखना, मैं बात करूं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो हमें कक्षकों की संख्या को बताती है, कितने कक्षक होते हैं, ठीक है? जितने एन के मान निकलेंगे, जैसे एक के लिए कितने मान? -1 0+1, तो मान कितने हो गए? 3 1 2 3, तो तीन कक्षक, ठीक है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो इसी तरह एन बराबर एक, एन बराबर एक है तो एन बराबर कितना हो गया? सिर्फ 0, क्योंकि एन का जो मान है वो एन के मान से एक कम होता है। एन का मान 0, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा उपकोष? एस उपकोष। तो पहले कोष में एक ही क्या होता है? उपकोष। पहले कोष में क्या होता है? एक ही उपकोष, कौन सा? एस। अब एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? कक्षक देखने के लिए कौन सी क्वांटम संख्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। एल का मान कितना दे रखा है? 0। 0 के लिए एम के कितने मान पॉसिबल है? सिर्फ एक मान पॉसिबल है, वो कौन सा पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है। तो ये तो मान है, ये मान की संख्या है, तो एल बराबर 0 के लिए एम की वैल्यू कितनी आई? 0, मतलब एक, मतलब कितना? एक। तो एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक। तो पहले कोष में एक ही कक्षक है, एक ही उपकोष है, ठीक है? यहां से मैं आपको ये कहूं कि एक कंडीशन है, एक ही कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब, दो से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे, किसमें? एक कक्षक। तो ये थी चुंबक की क्वांटम संख्या जो हमें कक्षकों की संख्या को व्यक्त करती है। इसके मान किससे निकलेंगे? दिगंसी क्वांटम संख्या से। कैसे निकलेंगे? -n से +n तक। ये मैंने एग्जांपल दिया है कि n बराबर 3 में तीसरे कोष में कितने उपकोष होते हैं? 3, s t d। उपकोष की संख्या के लिए हमें l का मान निकालना पड़ेगा,
इन उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, इसके लिए हमें चुंबक की क्वांटम संख्या का मान निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, माइनस एल से प्लस एल तक, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो दो हो सकती है। जस्ट इसके बाद हमारी क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या। देखिए गाउट स्मिट नामक वैज्ञानिक ओहलेनबेक ने ये बताया कि तीन क्वांटम संख्याओं के अलावा चौथी क्वांटम संख्या भी अस्तित्व रखती है। तो जो चौथी क्वांटम संख्या है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। और इसी क्वांटम संख्या से अपन ये कह सकते हैं कि एक कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, उनका जो चक्रण है वो क्या रहता है, विपरीत रहता है। तो हमारे पास फोर्थ है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ये क्या व्यक्त करती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। इसके दो मान संभव है साहब, दो मान संभव है, और वो कौन से हैं, एक तो ऊपरी प्रचक्रण जिसको मैं इस तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करूंगा, और दूसरा है निम्न प्रचक्रण जिसको मैं इस तीर के निशान द्वारा व्यक्त करूंगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या जो किसके द्वारा दी गई थी, वैज्ञानिक ओहलेनबेक तथा सैमुअल गाउट स्मिट। वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई संख्यात्मक मान भी उनके प्लस एक बटा दो और माइनस एक बटा, इनको मैं यदि संकेत में व्यक्त करूं तो ऊपरी प्रचक्रण कह सकता हूं और क्या कह सकता हूं, निम्न प्रचक्रण कह सकता। कुल मिलाकर बात यह आई कि आपको मोटी मोटी बातें क्या याद रखनी है, मोटी मोटी बातें आपको क्वांटम संख्या का नाम, उसका काम क्या है, उसके मान कैसे निकलते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। मैं सारांश में कुछ बात को आपको बता दूं कि देखिए मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या n हमें इसकी संख्या को बताती है कोस की संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोस की संख्या बताती है। मान कितना हो सकता है, एक दो तीन चार पांच, जो दिगंशी क्वांटम संख्या है एल वो हमें क्या बताती है, उस कोस में पड़े हुए उपकोष की संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या में पड़े हुए उपकोष की संख्या बताती है कौन, दिगंशी क्वांटम संख्या। मान किससे निकलेंगे, एन से। मान कैसे निकलेंगे, जीरो से एन माइनस वन तक। मुख्य क्वांटम संख्या कोषों की संख्या बताती है, मान वन टू थ्री फोर। एल दिगंशी क्वांटम संख्या है, उपकोष की संख्या बताती है कौन से उपकोष, जो किस में पड़े, कोष में।
मान कैसे निकलते हैं, जीरो से एन माइनस वन तक। मोटी मोटी बातें लिख रहा हूं। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें उस उपकोष में पढ़े गए कक्षों की संख्या को व्यक्त करता है। मान कैसे लिख देंगे, माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक। और एस इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, वो चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। मान माइनस एक बटा दो और प्लस एक बटा दो। क्लियर है? तो ये सारांश था क्वांटम संख्याओं का। बहुत अच्छा टॉपिक है क्वांटम संख्याओं का। कुछ मैंने आपको फिक्स फॉर्मूले भी बताए थे, फिक्स फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एन कोस में एन थ्री उपकोष होते हैं। एन कोस में कितने उपकोष होते हैं? एन थ्री। मतलब चौथे कोस में चार उपकोष, तीसरे कोस में तीन उपकोष, एन थ्री उपकोष होते हैं। और एन थ्री उपकोष में एन स्क्वायर क्या होते हैं? कक्षक। एन स्क्वायर क्या होते हैं? कक्षक। और एन स्क्वायर कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टू एन स्क्वायर। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल तीसरे कोष में, तीसरे कोष में, तो बात करें यदि हम तीसरे कोष की, तो तीसरे कोष में कितने उपकोष होंगे? तीन। कितने कक्षक होंगे? नौ। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अठारह। ठीक है, किसी उपकोष में कितने कक्षक हो सकते हैं? मैंने ये कक्षकों की संख्या एन स्क्वायर कहां से लाया हूं? मैं ये लाया हूं किसकी संख्या जब आपको दी जाए? कोष की संख्या। आपसे कोई पूछे चौथे कोष में कितने कक्षक है, तो चौथे कोष में चार का स्क्वायर सोलह कक्षक है। मतलब कक्षकों की संख्या आप कैसे फाइंड कर रहे हो जब आपको मैं कोष की संख्या दे रहा हूं? एक तरीका और भी है, आपसे मैं कक्षक की संख्या पूछ लूं और कोष की संख्या नहीं देकर उपकोष की संख्या दूं, तो सूत्र दूसरा लगेगा। उपकोष में कक्षक की संख्या, तो उपकोष में कक्षक की संख्या सूत्र लगेगा 2l प्लस 1। यहां n क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। l क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। जैसे मैं कहूं l का मान 0 है, l का मान 0 का मतलब कौन सा उपकोष हुआ? s। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? आपसे सवाल पूछ लिया कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। कक्षक पूछा है तो इसमें रख दो 2l प्लस 1, तो जीरो रख दो, ये तो जीरो जीरो हो गया। आंसर कितना आ गया? एक। इसका मतलब एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। ओके, तो आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोष से भी कक्षक निकाल सकते हैं और उपकोष की संख्या आपको दी जाए तो भी आप कक्षक निकाल सकते हैं। आपसे उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, किसी उपकोष में कक्षक की संख्या तो इस सूत्र द्वारा दी जाती है। और आपको पता है एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दो। तो आप क्या कर सकते हैं, जब ये कक्षकों की संख्या है तो किसी उपकोष में कक्षक की संख्या जब ये है तो किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या होगा? तो कक्षक की संख्या, एक कक्षक में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसी सूत्र को दो से गुणा कर दीजिए, 2l + 1। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह हमने आज चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम
विभिन्न प्रकार के कक्षकों की आकृतियां और किन्हीं परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।